तो क्षेत्रीय जो राज्य हैं उन्हें हमने पिछले डिस्कशन में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा कि कौन सा क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय साम्राज्य किस प्रकार से मुगल विघटन के दौरान एक उसने अपनी सत्ता स्थापित की, कौन उसके उत्तराधिकारी हुए, कौन उसके संस्थापक हुए, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। और इस चर्चा से अपन देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, किन क्षेत्रीय राज्य के साथ उनके किस प्रकार के संघर्ष थे और उन संघर्षों के बाद उन्हें क्या लाभ हुए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष को हैदराबाद के साथ जो हुए उनको अपन ने कर्नाटक युद्ध में ही देख लिया है कि कर्नाटक युद्ध के पश्चात किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक आर्थिक हस्तक्षेप हैदराबाद राज्य में शुरू कर दिया था। तो इस चर्चा से अपन देखेंगे बंगाल के साथ संघर्ष। तो बंगाल के साथ संघर्ष, तो अली वर्दी खान तक की चर्चा को हमने क्षेत्रीय साम्राज्य को चर्चा करने के दौरान ही देख लिया था। तो अली वर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला का जो संबंध था वो संबंध खराब हुआ, संबंध में खटास पैदा हुई, खटास पैदा हुई। और इसी खटास के कारण जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का जो युद्ध है वो उसकी शुरुआत हुई। तो प्लासी के युद्ध के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इन्हें अपन चर्चा करते हैं। प्लासी युद्ध, तो प्लासी युद्ध के पीछे जो कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण ये है कि कंपनी को जो विशेषाधिकार बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए मिले थे, उन विशेषाधिकार का कंपनी के द्वारा वृहद स्तर पर मिसयूज किया जाता था, दुरुपयोग किया जाता था। तो विशेषाधिकारों का दुरुपयोग दुरुपयोग किया जाता था। दूसरा, कंपनी के द्वारा कलकत्ता में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री का निर्माण किया गया, और इस फोर्टिफाइड फैक्ट्री के निर्माण के पहले नवाब की अनुमति नहीं ली गई थी। तो फोर्टिफाइड किलाकृति फैक्ट्री का निर्माण किया गया, फैक्ट्री का निर्माण नवाब की अनुमति के बिना बिना नवाब नवाब की अनुमति। तीसरा, ये एक अफवाह फैल गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाले विशेषाधिकारों में सिराजुद्दौला कमी करेंगे और उन विशेषाधिकार और कुछ अन्य विशेषाधिकार को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपेंगे। एक अफवाह अफवाह विशेषाधिकार संबंधित। चौथा कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी गुट थे उनका साथ दे रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विरोधियों विरोधियों का साथ दे रही थी।
तो ये सभी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे। अब देखते हैं सिराजुद्दौला के तरफ से। तो सिराजुद्दौला के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 45 एक फैक्ट्री थी कलकत्ता में, उसमें आक्रमण किया गया और 146 अंग्रेजी नागरिकों को बंदी बना के एक छोटे से कमरे में रखा गया और अगले दिन 126 लोग मृत पाए गए और उनकी मृत्यु सफोकेशन के कारण एंड घुटन के कारण हुई। और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी और इसी ब्लैक होल ट्रेजिडी के बदले के रूप में, बदले के लिए जो कंपनी थी उसने फोर्स को बुलाया मद्रास से, और मद्रास से फोर्स रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आई। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो सिराजुद्दौला के विरोधी गुट थे उनके साथ एक सहमति की गई कि यदि वो विरोधी गुट अंग्रेजों का साथ देते हैं, अंग्रेजी सेनाओं का साथ देते हैं, तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। और रिवॉर्ड के रूप में जो सेनापति मीर जाफर के साथ जो समझौता किया गया था, तो उसमें था कि सेनापति मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब घोषित कर देंगे। बदले के लिए सेना बुलाई क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में। और क्लाइव ने समझौता किया, समझौता विरोधी गुटों से, जिसमें मीर जाफर जगत सेठ अमीन चंद आदि थे। और इसके बाद प्लासी का युद्ध शुरू होता है 23 जून 1757 को। और इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को बुरी तरह से परास्त किया गया और उसे मार डाला गया। अब देखते हैं कि प्लासी का जो युद्ध है उसका महत्व तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए युद्ध का महत्व तो पहला महत्व है कि नवाब के द्वारा 24 परगना की जमींदारी दी गई। दूसरा है कि इस युद्ध के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश शासन की शुरुआत की, ब्रिटिश ब्रिटिश शासन आरंभ भारत में। इसके बाद ब्रिटिश सेना की सर्वोच्चता साबित हुई, ब्रिटिश सेना की सर्वोच्चता मानी गई। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अन्य यूरोपीय कंपनी और जो अन्य प्रतिद्वंदी थे जो बंगाल पर अधिकार करना चाह रहे थे उनको अलग किया, प्रतिद्वंदियों द्वंदियों को अलग किया। तो ये सारे लाभ थे प्लासी के युद्ध के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। अब देखते हैं कि इसके बाद बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर बना, लेकिन कुछ समय के बाद मीर जाफर और कंपनी के रिश्ते में खटास पैदा हुई, रिश्तों में खटास
और खटास के कारण ये थे कि क्लाइव का हस्तक्षेप बंगाल की राज्य व्यवस्था में काफी बढ़ गया था। क्लाइव हस्तक्षेप राज्य व्यवस्था में जिससे मीर जाफर को शासन सत्ता चलाने में कठिनाई हो रही थी, और दूसरा मीर जाफर का संबंध डचों के साथ बढ़ गया था, डचों से संबंध। और इसी के बाद जब डच फिर से एक प्रतिद्वंद्वी की तरह उभरने लगे तो डचों के साथ कंपनी का युद्ध हुआ, और कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से परास्त किया, जिसे हम बेंद्रा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं जब हम ब्रिटिश और डच के बारे में पढ़ रहे थे। और बेंद्रा के युद्ध को हुगली के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, जो 1759 में हुआ। तो बेंद्रा का युद्ध हुआ, बेंद्रा या हुगली का युद्ध, और ये 1759 में हुआ। और इस युद्ध के बाद डच काफी परास्त हो गए पूरी तरह से। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को सपोर्ट किया अगला बंगाल के नवाब के लिए। इसके बाद कंपनी कंपनी का मीर कासिम को सहयोग बंगाल के नवाब के लिए, और मीर कासिम के साथ एक समझौता किया गया। पहला था कि मीर कासिम वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के अधिकार को कंपनी को देंगे, वर्धमान वर्धमान मिदनापुर और चटगांव का अधिकार जो है वो कंपनी को देंगे। दूसरा, 5 लाख रुपए कंपनी को देंगे जिससे वो दक्षिण भारत में युद्ध कर सके, युद्ध के लिए। तीसरा, इस समझौते पर मीर कासिम सहमत हुए कि जो बकाया पेमेंट है, जो बकाया राशि है बंगाल की, जो कंपनी को देना है, जो काफी समय से मीर जाफर के द्वारा नहीं दिया गया है, उसको पूरा करेंगे। बंगाल की बकाया राशि कंपनी को देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। और इसके साथ ये कहा गया, अंग्रेज कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि कंपनी ये आश्वस्त करती है कि जो मीर कासिम का दुश्मन होगा वो कंपनी का दुश्मन होगा, और जो मीर कासिम का दोस्त होगा वो कंपनी का दोस्त होगा। इस प्रकार से कंपनी ने सहयोग की बात मीर कासिम से की, दोस्त तथा दुश्मन का आश्वासन आश्वासन कंपनी ने मीर कासिम को दिया। लेकिन मीर जाफर की ही तरह मीर कासिम भी कुछ समय के बाद काफी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से परेशान हुआ, और इसी परेशानी के कारण बंगाल की जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसको उसने शिफ्ट करके मुंगेर कर दिया। मुंगेर बिहार में एक जगह है। और दूसरा, मीर कासिम ने भी अपनी जो सेना थी, बंगाल की जो सेना थी, उसको सुदृढ़ीकरण किया, उसको प्रशिक्षित किया, स्किल्ड किया, और उसको एडवांस किया, ट्रेन किया, जिससे मीर कासिम और कंपनी के बीच में संबंध फिर से खराब हुए। और इन्हीं संबंधों के खराब होने के परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ। लेकिन संबंध खराब क्यों संबंध खराब हुए?
राजधानी स्थानांतरण, राजधानी स्थानांतरण, स्थानांतरण। मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। दूसरा, सेना, सेना को सुदृढ़ किया, सुदृढ़ किया। और इसी से संबंध खराब हुए जिसके परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस चर्चा में इतना ही है, अगली चर्चा में अपन बक्सर के युद्ध से शुरू करेंगे।